Remake. सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल अमन, कैसा पुत्र, कई सालों बाद देख रहे हैं तेनु। जी मैं स्कूल में ही रहता हूँ, सिर्फ वीकेंड्स पे ही घर आता हूँ। यूवी, यूवी ये हाँ मैं मिल चुका हूँ इनसे। अमन, आई एम गेटिंग रियली लेट, मुझे चलना चाहिए। एनीवेज, सत श्री अकाल जी। हेलो, हाय रणवीर। हाँ, यस, व्हाट? बताओ भी, टेल मी, हम भी तो जाने की बात क्या है। ठीक है सर, पर सर मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे एक बिग माउथ समझे। ओह नो, कम ऑन, अब बोलो नहीं, कम ऑन। ओह समझा, ये अर्जुन के बारे में, व्हाट इज इट अबाउट हिम? यही कि वो एक बहुत एग्रेसिव आदमी है सर। यस, और बहुत अनप्लेजेंट है, और सर ट्रबल मेकर भी बन सकता है। यस यस, उसने वो डांस के बारे में भी कुछ कमेंट किया था ना। चाहता क्या वो? पता नहीं सर। मिस्टर जामवाल, इंटरप्ट करने के लिए आई एम सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आशी फिर से भाग गई है। What? फिर से? ये तुम्हारी हर्बल टी और चॉकलेट पेस्ट्रीज, होममेड। थैंक यू सो मच। यम्मी। पता है यहाँ और किसे स्वीट्स बहुत पसंद है? राघव सर को, वो तो केक्स यूं चट कर जाते हैं, तभी तो खुद इतने स्वीट हैं, है ना? आई एम श्योर। एनीवेज, मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है सब उन्हें इतने पसंद करते हैं, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता उन्हें? पता नहीं, पर मुझे वही लोग पसंद है जिनका मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, और राघव का मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। एनीवेज, मुझे तो लगता है कि मौर्या के लिए राघव सर से बेटर और कोई नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैंने कितनी मेहनत की अपनी भांजी को स्कूल में डालने के लिए, कितना सुना था मौर्या इज दिस, मौर्या इज दैट, मौर्या इज इंडियाज बेस्ट, पर यहाँ काम करने के बाद पता चला कि ये सब एक दिखावा है। तो फिर आप वृंदा को स्कूल से निकलवा क्यों नहीं देती? नहीं मैडम, यहाँ सब बुरे नहीं हैं। मैंने कहा ना, अगर राघव सर हैं तो मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वृंदा ने यहाँ पे कितने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, सच गुड गर्ल्स। अब मैं उसे कैसे कहूँ कि ये सब छोड़कर किसी दूसरी स्कूल में चली जाए? अगर मौर्या इज़ नॉट द बेस्ट तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। मैम मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, पर यही स्टूडेंट्स विक्टिम भी हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ के ग्रोन अप्स की हैं, प्रिंसिपल से लेके प्यून तक, पर कर भी क्या सकते हैं, सब यहीं के ग्रेजुएट्स जो हैं वो। इसीलिए मैं कहती हूँ मैम के राघव सर के आसपास ही रहिए, वही एक असली हीरा है, उन्हीं का दिल अच्छा है बस यहाँ पर। मैं कह रही थी कि मैं भी यहाँ की ग्रेजुएट रह चुकी हूँ। अब सभी से मेरा मतलब सभी नहीं था, यू सी राघव सर वो भी तो यहीं के स्टूडेंट्स हैं। हाय रिंकू। हेलो सर। मैं तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट लाया हूँ, दो किताबें, एक हिस्ट्री दूसरी लिटरेचर, मैं तुम्हें इन्हीं किताबों से पढ़ाऊंगा। रहने दीजिए सर, मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। नो डिस्कशन, ये स्टडी शेड्यूल है, हम इसको फॉलो करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी, अभी मैंने डांस ग्रुप के बारे में कुछ सुना, होप इट्स ऑल नॉट ट्रू। साहिब। यस मैम। नो मोबाइल्स इन क्लास। सॉरी। आज बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? लगता है किसी को क्लास में आने का कोई शौक नहीं है। आई वंडर व्हाई डू यू कम टू स्कूल।
वरुण, मैं तुम्हारी स्टुपिडिटी से तंग आ चुकी हूँ, जाके फ्रंट रो में बैठो और प्लीज मेरे सामने मत आना। माय ग्लासेस मैम, गिर गए। बस अब यही बाकी रह गया था। मुझे लगा तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इन सबसे अलग, लेकिन नहीं, तुम इन सबसे बढ़कर हो। अपनी पूरी जिंदगी तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी स्टुपिडिटी में गुजर जाएगी। यू आर जस्ट यूजलेस वरुण, मुझे लगा तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए अब तक बचे हुए हो, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी जुबान की तरह स्टैमर करने लगा है। Excuse me, ma'am. You can't talk to anyone like that. क्या? आप किसी स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। Look at the way you speak and then talk to someone else. अन्वेषा, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ पूरी तरह से। In fact, मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ। I'm just tired of you guys. Quiet. अन्वेषा, तुम्हें अपनी सस्पेंशन रिपोर्ट साइन करनी होगी। और बाकी सारे स्टूडेंट्स, एक ब्लैंक पेपर निकालो, जल्दी। ये जॉब पागल हो गई है। हम इस क्रश कैन की वजह से सब पनिश होंगे। साइलेंस। एक्सक्यूज मी मैम, आई डू नॉट अग्री विद दिस डिसिप्लिनरी एक्शन। मैं कुछ नहीं साइन करूंगी। इनफैक्ट यू शुड बी सस्पेंडेड। क्या? हाउ डेयर यू? साइलेंस। सिट डाउन, सिट डाउन। अन्वेषा कहाँ है? वो रही, अनफॉर्चुनेटली। I'm sorry. What did you say? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर किसी को डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। Well, मैं इस स्कूल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस स्कूल को इम्पार्शियल और फेयर तरीके से चलाऊँ। मैं किसी के साथ इम्पार्शियल या अनफेयर नहीं हूँ मिस्टर दत्त। एंड आई थिंक मुझे इतना राइट है कि मैं अपनी क्लास के डिसीजंस खुद ले सकूँ। See, I'm just trying to say कि हर किसी को डांस करने का हक है, उन्हें डांस करना है, एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करना। I don't agree. और अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मिस्टर जामवाल डिसाइड करेंगे। प्रिंसिपल तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, सो फिगर आउट स्वीटहार्ट कि तुम उनसे क्या कहने वाली हो। फिगर आउट करने के लिए कुछ नहीं है। एक बात बताओ मुझे कि तुम्हें अपने आप को बिहेव करने में क्या डिफिकल्टी लगती है। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बस आपके दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही गैलप कर गए और आपको लगा मैं फिर से स्कूल से भाग गई हूँ। या ओके ओके ओके। एंड बाय द वे, मेरे दिमाग के घोड़ों ने तुम्हारी टीचर्स के साथ पोलाइट कॉन्वर्सेशन को भी प्रेडिक्ट किया था। उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। दैट टीचर हैज गॉन बॉन्कर्स। वाओ, सो दिस इज योर न्यू डेफिनेशन ऑफ गुड बिहेवियर। अगर वो लेडी हिटलर बनना चाहती है तो मेरी क्या गलती है? If she can't respect us, we won't respect her. Shh. धीरे बोलो। देखो, तुम इसके सब्जेक्ट में जितनी बार चाहे उतनी बार फेल हो जाओ, लेकिन उसे पूरी क्लास के सामने कन्फ्रंट मत करो। You tell her sorry. Please. मामा, आप क्या कह रही हैं? कि मैं एक डिस्क्रिमिनेटिंग और अब्यूजिव टीचर के सामने झुक जाऊं? बस इसलिए कि मैं और ट्रबल ना क्रिएट करूं? अगर आप सच्चे मन से ये चाहती हैं तो से इट एंड आई विल डू इट। मां, कोई न्यूज़ मिली? हाँ पुत्र, 3 दिन बाद सर्जरी है, लेकिन उससे पहले हमें उन्हें मेंटली थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। तू फिक्र ना कर पुत्र, ऐसे कोई डेंजरस ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। क्या पापा को मालूम है? नहीं, उन्हें नहीं पता। ग्रंथी जी गए उन्हें बताने के लिए, लेकिन पुत्र सर्जरी के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? माँ, आप चिंता नहीं करो, प्लीज आप चिंता मत करो। रणवीर ने मेडिकेयर वालों को ऑलरेडी फाइल दे दी है, आप प्लीज चिंता मत करो। थोड़ी सी पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। कहाँ से इंतजाम हो जाएगा पुत्र, मेरे पास कुछ भी नहीं। माँ, अभी 2-3 दिन है, रणवीर कोशिश कर रहा है, आप चिंता मत करो। एंड प्लीज प्लीज डोंट क्राई माँ, आप रो मत। रणवीर चंगा मुंडा है, लेकिन स्कूल के साथ वो सब कैसे मैनेज कर पाएगा? ये मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर ही विल। आप प्लीज प्लीज रो मत माँ। ठीक है पुत्र, वाकई तेरे दोस्त बहुत चंगे ने। एक दिन ये रणवीर और एक बेचारा सुबह आकर चेक देकर चला गया। हाय रब्बा, हाय रब, तेरी दोस्ती बनाए रखे पुत्र।
माँ प्लीज संभालो अपने आप को माँ। Excuse me. वृंदा तुम मामा आप एक बार पापा को देख के आओ कैसे हैं वो। ठीक है पुत्र। कैसा चल रहा है अमन? सब कुछ ठीक है। तुम स्कूल से बाहर कैसे आई? वो मासी ने परमिशन दिलवा दी। थैंक्स वृंदा थैंक्स। मिस बैनर्जी कम इन, कुछ बातें क्लियर करते हैं। एक मिनट सर, मामा मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहती है। बोलिए। अभी अंदर जाओ, वील टॉक लेटर। फाइन, आई गॉट योर आंसर। शोना अब मनमीत मुझे यहाँ पे देख के अपसेट तो नहीं होगी ना? वो यहाँ पे नहीं है, शी इज आउट ऑफ टाउन। उसको तो ये भी नहीं पता कि पापा बीमार हैं। तुम्हारे डैड कैसे हैं? और वो ऑपरेशन को लेके टेंस तो नहीं है? ही इज स्ट्रांग नाउ, अब वो रेडी है। दैट्स गुड। अगर वो पॉजिटिवली सोचेंगे तो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। आई विल आल्सो प्रे फॉर हिम। और पता है सोनल मासी भी यही कहती हैं, इट्स ऑल इन द माइंड। तुम्हारी मासी कितनी अच्छी है ना, और समझदार भी। लेकिन शायद मेरा ही माइंड नहीं मानता इस ऑपरेशन के बारे में। तुम्हें क्या हो गया है अमन? सच्ची बोलूं, I'm scared. पता नहीं, मेरे पापा हमेशा परफेक्ट थे, माय हीरो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा, और आज उनकी ऐसी हालत। Calm down अमन, don't be sad. मैं जानती हूँ आपने किसी को ऐसी हालत में देखना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। और उनके पास ठीक होने के कई कारण हैं। उनकी फैमिली दुनिया में सबसे अच्छा बेटा, एंड ही नोज दैट, राइट? नहीं वृंदा, मैं अच्छा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सबसे बुरा हूँ। आई एम एन अनग्रेटफुल सन। मैं अच्छा नहीं हूँ। हेलो सर, हम रणवीर बोल रहे हैं। डोंट वरी रणवीर, मैं मिस्टर जामवाल से बात कर लूँगा तुम्हारे स्कूल से एब्सेंट रहने के बारे में। नहीं सर, बात कुछ और है। एक्चुअली हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, एटलीस्ट 30,000। व्हाट, 30,000? क्या हुआ? सर हम आपको वापस कर देंगे सारे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हो ना? एक्चुअली सर हमारे फ्रेंड के फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर पैसे नहीं मिले तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, मैं टिया के साथ एक चेक भिजवा दूंगा, और कुछ हो तो मुझे बताना। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय, टेक केयर। चलो काका, ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, टिया के स्कूल चलेंगे पहले। क्या हुआ टिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई और बात है, चलिए। I swear, इसी फोक से मैं ऐशिका खून कर दूंगा, उसकी वजह से हम सब ट्रबल में आ जाते हैं, ट्रबल मेकर। मैं तुम्हारे साथ हूँ नकुल, वो बिल्कुल पागल है, किसके सामने कब क्या कहना है उसे समझ ही नहीं आता। राइट। हाय युवी, युवी अमन के डैड कैसे हैं? He's better guys, कुछ टेस्ट और चेकअप्स चल रहे हैं, once those are out, पता चलेगा कि बाईपास सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। हे डूड, तुझे सोशल वर्कर बनने में ज्यादा मजा आता है, और तुम्हें इडियट बनने में। व्हाट्स विद यू, यू जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। यू नो गाइस, आज जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे अमन के बारे में कुछ पता चला। व्हाट? आई वाज शॉक्ड मैन। डिड यू गाइस नो दैट अमन इज अ सरदार? No ways, Yuvi. Remember, हमने उसे पूछा था और उसने deny किया था। Sir, मैं खुद hospital गया था और वहाँ पे उसके dad को भी देखा मैंने। उसकी पूरी family वहाँ पे थी। In fact, एक ग्रंथी जी आए थे गुरुद्वारे से। Guys, फर्क क्या पड़ता है? वो सरदार हो या whatever? तिया, मुझे उसकी religion से कोई problem नहीं है। Believe me when I tell you that, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। We are all Indians and I am proud to be one. It's just that उसने हमसे ये बात छुपाई। He lied to us.
शायद उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि स्कूल में और कोई सरदार नहीं। नो 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 प्री, आई थिंक आई गो विद यू वी। आई थिंक उसे इसीलिए इतना बुरा लग रहा है क्योंकि हमने उसकी फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट किया और यू वी इसकी हेल्प भी करने गया और उसने हमसे झूठ बोला। आई डोंट अंडरस्टैंड, फर्क क्या पड़ता है? गाइस, अमन के डैड हॉस्पिटल में है। हिज डैड। डियर, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? नो नथिंग। टिया सोचने लगी कि अगर टिया के पापा को कुछ हो गया तो आई विल डाई गाइस। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ लेना चाहेंगी आप? कॉफी और? नो थैंक्स, आई एम ओके। ओके मिस ग्लोरिया। ओह सामूजा, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपको देख के अच्छा लगा। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक्स, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? मिस्टर जामवाल से मिलना था मुझे। ओह आई एम अफ्रेड वो बिजी है इस वक्त। नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। वुड यू लाइक सम कॉफी और समथिंग? नो थैंक्स, आई विल वेट। ओके मिस सोनिया रे, हाउ डू यू डू? ओह हाउ स्ट्रेंज, इतना भारी जख्म और एक स्क्रैच तक ना रहा। प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या? मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनिया रे, सोनिया। अरे मिस्टर आहूजा, कैसे हैं आप? मिस्टर जैम्बल, आई एम फाइन। सोनिया, मैं तुम्हारी बेटी से बहुत खुश हूँ। इसने न सिर्फ सस्पेंशन रिपोर्ट साइन कर दी है बल्कि ये मिस शर्मा से पब्लिकली माफी मांगने के लिए भी तैयार है। एक स्पिरिटलेस और स्पाइनलेस डॉटर, आपको मुबारक हो। यू डिजर्व इट, ग्रेट गोइंग। मिस्टर जैम्बल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्लीज कहिए ना। कभी जस्ट यार प्लीज एक्सक्यूज मी। देख लेना, आशी मिस शर्मा की हवा निकाल देगी। I think Ashi should chill. ये पहली बार तो नहीं मिस शर्मा किस पे बरसी है। She is like that only. But Ashi has made a hill out of a mole. हम सब मिस शर्मा को क्रिटिसाइज करते हैं। वो थोड़ी बेवकूफ है पर उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। That Varun deserves everything. I think you deserve a kick. उस लूजर के लिए इतना सॉफ्ट स्पॉट क्यों है मैडम? He deserves everything. You were talking rubbish. लगता है तुम्हारा दिमाग को क्लीन करना ही पड़ेगा। You carry on with your cleaning. I am going to chill. Cool babes. Maria, you know I think Ashish should try to manage things a little bit more coolly. Maybe lay low for a while. Lucky bet, she won't cool down. कितने की? जो कुछ तुम कहो। Maria, तुम हार जाओगी। Miss Sharma इस स्कूल की बिल्डिंग के पिलर से भी ज्यादा ग्राउंडेड है। No one will even touch her. मैं आशी के ग्रुप में हूँ। तुम लोग दिन में ड्रीम्स देखना बंद कर दो। मान लो कि शर्मा में माशी को नहीं छोड़ेगी। You're right, Pri. फिर से मेरे साथ कुछ करे। प्लीज गो। It's cool. मैं जा रहा हूँ. But if you need anything, let me know. Bye, babes. Remake, 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 remake.